बच्चों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे से होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चली होगी। बच्चों हम लोग क्लास सिक्स का संस्कृत पीयूषम कर रहे हैं और आज करेंगे चतुर्थ पाठ। चतुर्थ पाठ ये है उद्बोधनम। लोट लकार का प्रयोग है, मतलब है जानो। इसमें है कि क्या क्या हमें जानना चाहिए। जागरूकता से संबंधित है कि हमें क्या क्या चीज़ जानना चाहिए। उद्बोधन जानो, उसको यदि हम विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं तो क्या मिलेगा? उत प्लस बोधन। बोधन मतलब होता है जानना। उत प्लस बोधन, उद्बोधन। अब ये देखिए क्या है, माँ कुरु दर्पम। चलिए इसको पढ़ते हैं और पढ़ करके शुरू करते हैं इसका जानना कि माँ कुरु दर्पम, माँ कुरु गर्वम, माँ भव मानी माने सर्वम, माँ भज दैन्यम, माँ भज शोकम, मुदित मना भव मोदय लोकम। अर्थात माँ मत करिए, मत माँ मत, कुरु करो। लोट लकार का प्रयोग किया गया है इसमें। किसका प्रयोग किया गया है? लोट लकार, ठीक है। इसमें लोट लकार का प्रयोग है तो कुरु क्या है? करो। ये क्या है? लोट लकार। मत करो दर्पम घमंड, माँ माँ मतलब मत, कुरु करो क्या? गर्वम गर्व, घमंड मत करो, गर्व मत करो। माँ भव मानी, माँ भव मानी माने सर्वम, माँ भव मानी अपना ईमान मत बढ़ाओ, अपने ईमान मत करो, ठीक है। अपने माँ भाव, माँ मतलब मत हो, भाव मतलब होना, और मानी मतलब अभिमान वाला, घमंड वाला, अपना सम्मान करने वाला ही नहीं मान करने वाला मत बनो। माने सर्वम सभी को मानो, सभी का सम्मान करो, सभी को मानो। माँ भज दैन्यम, माँ मतलब मत, भज मतलब भजो, और दैन्यम दीनता को। दैन्य मतलब क्या होता है? दीनता, गरीबी को, ठीक है। दीनता को, दीनता किसी भी चीज़ में हो सकती है, ठीक है। तो दीनता को नहीं भजना चाहिए, गरीबी को अपने पास, हम हर चीज़ में तुच्छता है, हर चीज़ में दीनता नहीं रखनी चाहिए। तो माँ भज दैन्यम मतलब कि दीनता को मत भजो, माँ भज शोकम और नहीं शोक को भजो, ठीक, नहीं दुख को, दुख को भजो, नहीं दुख को भजो, यानी ना ही दुख को रखो, नहीं दीनता को रखो, ठीक है। भज का मतलब भजना अर्थात रखना। मुदित मना भव मोदय लोकम, मुदित मना मुदित प्रसन्न मन, मुदित मतलब प्रसन्न और मना मतलब मन, प्रसन्न मन भव रहो, प्रसन्न मन से रहो। मोदय लोकम और संसार को प्रसन्न करो, मोदय लोकम और संसार को क्या करो? प्रसन्न करो, खुद प्रसन्न रहो और संसार को प्रसन्न करो, ठीक है। माँ वद मिथ्या, माँ वद व्यर्थम, न चल कुमार्गे न कुवर्ण अर्थम, पाही विपन्नम पालय दीनम, लालय जननी जनक विहीनम। इसका क्या मतलब हुआ? माँ मतलब मद, वद मतलब बोलो, वद क्या है? लोट लकार है। मिथ्या मतलब झूठ, झूठ मत बोलो। माँ मत, वद मतलब बोलो, व्यर्थम और व्यर्थ मत बोलो, झूठ मत बोलो और व्यर्थ मत बोलो। न चल कुमार्गे, कुमार्ग पर मत चलो, न कुवर्ण अर्थम और न ही अनर्थ, अनर्थ मतलब बुरा, सॉरी, न मतलब नहीं, कु मतलब होता ही बुरा है और अनर्थ मतलब बुरा, तो अत्यंत बुरा ही मत करो, न ही कुमार्ग पर चलो और न ही अत्यंत बुरा करो, ठीक। और हाँ, और फिर क्या है, कुरवा है ना यहाँ पे, यहाँ पे कुरवा का मतलब होता है करने से, ठीक है। और कु का अर्थ यहाँ पे प्रत्यय से नहीं है, कुरवा मतलब करना और अनर्थ मतलब बुरा, तो बहुत ही अनर्थ, बहुत बुरा मत करो, ठीक। और न चल कुमार्गे और न ही कुमार्ग पर चलो। पाही विपन्नम, पाही मतलब क्या होता है? रक्षा करना, ठीक है। विपन्नम मतलब पाही मतलब रक्षा करना और विपन्नम मतलब दुख, जो दुखी है, जो दुखी की क्या करो? रक्षा करो। पाही आपका लोट लकार में है। पालय दीनम और दीनम को, जो दीन है उनको क्या करो? पालय करो, उनका पालन करो, जो दीन है उनका पालन करो। लालय जननी, लालय मतलब भी क्या होता है? पालन पोषण करना,
ठीक है, किसी का पालन करना। जनक जनक जननी जनक विहीनम, जो जननी माता और जनक पिता, जो माता और पिता से विहीन है, रहित है, उनका क्या करो, लालन पालन करो। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, तनयम पाठय तनयाम पाठय शिक्षय नीतिम दोषय दोषम वाराय कुरूपकारम कृत्यमुदारम अपनय दूरे चित्त विकारम। कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि तनयम पुत्र, तनयाम पुत्री, पुत्र को पाठय पढ़ाओ और पुत्री को पढ़ाओ। शिक्षा नीति, शिक्षा की नीति के दोषों को वारय दूर करो। कुरूप कारम उपकारम, मतलब कि उपकार करो। कुरु उपकारम उपकार करो। कृत्यम उदारम उपकार करो, और कृत्यम मतलब कार्य, उदारम मतलब उदारतापूर्वक, उदारता से भरा हुआ कार्य करो और उपकार करो। ठीक, उपकारम, अब ये कुरु करोगे ना तो कुरु प्लस उपकारम हो जाएगा, तो कुरु मतलब करना, उपकार मतलब उपकार, सॉरी, तो उपकार करो और उदारम कृत्यम, तो उदारता करो, कृत्यम मतलब कार्य करना, उदारम मतलब उदारतापूर्ण कार्य करो और उपकार करो। ठीक, अपने दूरे चित्त विकारम, अपने मतलब क्या होता है, हटाओ, दूरे मतलब दूर हटाओ, चित्त के विकार को क्या करो, दूर हटाओ। चित्त के भी जितने भी विकार हैं उनको क्या करो, विकार मतलब दोष, उनको दूर हटाओ। बहुत खांसी आ रही है बच्चों, फिर भी इसको अवॉइड करते हुए आप लोग पढ़ाई करिए। माँ पे भी किंचित वस्तु निषिद्धम, माँ भज दुर्व्यसनम प्रतिषिद्धम। माँ पे, माँ मतलब मत, पिब मतलब पियो, किंचित मतलब कुछ, वस्तु मतलब वस्तु, निषिद्ध मतलब जो मना की गई है, ठीक है, जिन पर प्रतिबंध लगाया गया, प्रतिबद्ध है जो मना की, निषिद्ध वस्तु को प्रतिबद्ध, जो मना की गई वस्तु को, हाँ, जो निषिद्ध वस्तु है, जो जिनको मना किया जाता है पीने के लिए, वो निषिद्ध वस्तुएं होती हैं, तो निषिद्ध वस्तुओं को, मना की गई वस्तुओं को, किंचित कुछ भी वस्तुओं को माँ पिब मत पियो। माँ भज, भज मतलब रखो, माँ मतलब नहीं, मत रखो दुर्व्यसनम बुरे व्यसन को, ठीक है, बुरे व्यसन मतलब खराब आदतों को, प्रतिषिद्धम, एक प्रतिषिद्धम दृढ़ता के साथ अपनी बुरी आदतों को मत रखो। मानय पलम अपि व्यर्थम समयम, मानय माँ मतलब नहीं, नय मतलब ले जाओ, पलम अपि व्यर्थम समय, पलम अपि मतलब भगाओ, दूर करो, व्यर्थ मतलब समय को, व्यर्थ मतलब व्यर्थ बेकार, और समय मतलब समय को, व्यर्थ समय को दूर मत ले जाओ, ठीक है, व्यर्थ समय को दूर मत भगाओ, व्यर्थ व्यतीत मत करो समय को, हाँ। और कुरु जगदीश्वर चिंतन, चिंतनम भयम, कुरु मतलब करो, जगदीश्वर, जगदीश्वर मतलब भगवान विष्णु जी, चिंतन, चिंतन, चिंतन मतलब चिंतन करना, भयम मतलब भय, चिंतनम अभयम, निर्भय अभयम, अभयम है, चिंतनम को जब करेंगे ना तो चिंतनम फिर प्लस अभयम, अभयम है मतलब बिना डरे हुए अपने जगदीश्वर का, अपने भगवान का, अपने ईश्वर का चिंतन करो, ठीक है। जितने भी इसमें आप शब्दार्थ देख रहे हैं ना, उनको आप लिख लीजिएगा और एक बार पढ़िएगा ज़रूर से इसको,
लय के साथ पढ़िएगा, और जितनी भी और इस वीडियो में जितना भी मैंने खांसा है, खुसा है, कुछ भी किया है, उसको आप अवॉइड करते हुए आप अपनी पढ़ाई करिएगा। और मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में इसके इसके जो है अभ्यास के साथ में, ठीक है। और तब तक के लिए नमस्कार।